जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर अपने पुराने आधार कार्ड में करेक्शन कराना चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बायोमेट्रिक या और भी कुछ, तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक नई पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 अगस्त के लिए जारी की है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों लेटर है ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस का, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैन पावर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दोस्तों आर्मी में हैं तो आपके लिए ये लेटर और ये जो वीडियो है काम किया है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस यानी कि MP डायरेक्टरेट MP6 ने ये लेटर 13 अक्टूबर को जारी किया है और सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को दिया गया है, ठीक। चलिए, आधार सर्विस फॉर डिफेंस पर्सनल, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, न्यू दिल्ली, वाइड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर ये डेटेड 23 अगस्त 2023 हैज इंटीमेटेड दैट आर्मी पोस्टल सर्विस हैज बीन इनरोल्ड विद UIDAI एज इनरोलमेंट एजेंसी विद एन अथॉरिटी टू कैरी आउट फॉलोइंग टास्क विद रेफरेंस टू आधार रिलेटेड सर्विसेज ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों में से किसी में काम करते हैं तो आपके नज़दीक या फिर मेरे पास में जो FPOs की लिस्ट है उसमें से कोई भी FPO आपके नज़दीक पड़ता है तो आप वहाँ पर जाके ये हैं दोस्तों जो फॉलोइंग चेंजेस आप करा सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ न्यू आधार कार्ड, अपडेशन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग डाटा ऑब्लिक डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार कार्ड्स, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड बायोमेट्रिक, ठीक है, एंड आईरिस डिटेल्स। तो इनमें से कोई भी चीज़ है जो आप चेंज कराना चाहते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी और सरकारी संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस जो कि MP डायरेक्टरेट है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी सर्विसमैन है और जिनकी फैम जो भी सर्विसमैन है वो खुद का और अपनी फैमिली का जो है वो आधार कार्ड में चेंजेस करा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली APS डायरेक्टरेट इज इस्टेब्लिशिंग परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर PAEC यानी कि परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर एट 48 CBPOs / FPOs एट सेलेक्टेड लोकेशन अक्रॉस द कंट्री एज पर कमांड वाइज लिस्ट अटैच, ठीक है। अब देख लेते हैं कमांड वाइज लिस्ट अटैच, ठीक है। चलिए, ये है दोस्तों उन शहरों की लिस्ट जहां पर FPOs हैं और जहां पर परमानेंट आधार जो है वो बनवाए जाएंगे, ठीक है, FPOs के द्वारा। तो सबसे पहले तो दोस्तों है यहां पर सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड में कौन कौन से शहर आ रहे हैं आप देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूं आपके लिए। सबसे पहले है उधमपुर, मथुरा, लेह, श्रीनगर, नगरोटिया, लेह, ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर, ठीक है। यहाँ यहाँ पर दोस्तों जो है वो ये सेंटर्स FPO के द्वारा बनाए जाएंगे। चलिए, अब आया दोस्तों यहाँ पर हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड। तो दोस्तों सेंट्रल कमांड में जो है वो आप देख सकते हैं लखनऊ, फतेहगढ़, लैंसडाउन, गया, वाराणसी, रामगढ़, दानापुर, रुड़की, ठीक है, चौबटिया, जबलपुर और गोपालपुर, यहाँ पर दोस्तों जो है वो FPO बनाए जाएंगे। तो अगर आपके घर से नज़दीक कोई भी यहाँ पर सेंटर जो FPO है तो आप जा सकते हैं। साउदर्न कमांड में दोस्तों जो है वो लिस्ट ये है, आप देख सकते हैं पुणे, जोधपुर, भोपाल, बेलगांव, कामटी, मुंबई, चेन्नई, अहमदनगर, देवलाली, ठीक है, ये बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर, बेंगलोर जैसे, कि यहाँ पर जो है वो आप अपने जाके आधार कार्ड में चेंजेस करा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों वेस्टर्न कमांड है, यहाँ पर है चंडीगढ़, अम्बाला, योल कैंप, जालंधर, शंकर विहार, शिमला, कसौली और मेरठ, ठीक। उसके बाद दोस्तों आता है हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, कोलकाता, उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर, दीमापुर, तेजपुर, पानागढ़, सुखना, ठीक है।
उसके बाद में हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड में है जयपुर और भटिंडा। ठीक है, तो अगर आप इन शहरों के रहने वाले हैं तो ये न्यूज़ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए जैसे पहले होता था, हमें अगर करेक्शन कराना पड़ता था तो दो दो घंटे हमें पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब आपके लिए दोस्तों FPO यानी कि आर्मी ये सर्विस प्रोवाइड कराने जा रही है, जहाँ पर आप अपने आधार प्रिपरेशन यानी कि न्यू आधार कार्ड और उसमें अपडेशन करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत काम की है और YouTube पे सबसे पहले लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।